फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे किटकैट जेम्स केक, तो चलिए शुरू करते हैं। किटकैट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया 1/2 कप मैदा, 1/3 कप पाउडर्ड शुगर, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा ही बेकिंग सोडा। और मैंने यहाँ पर मिल्क लिया है, ये कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग रखेंगे हम। सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 कप मैदा, 1/3 कप पाउडर शुगर, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा ही बेकिंग सोडा। और हम इन सब चीज़ों को छान लेंगे और अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, पहले हम थोड़ा डालेंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध और डाल देंगे, बस। अब हमारा ये बैटर ही रेडी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी चॉकलेट तोड़ के डाल दूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया एक माइक्रोवेव सेफ मोल्ड, इसको अब मैं ग्रीस कर दूंगी अच्छे से। अब मैं बैटर इस बॉल में डाल दूंगी। अब हम हमारे बैटर को 5 से 7 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर देंगे। अब हमारे केक रेडी है, ये 5 मिनट 30 सेकंड में रेडी हो गया। हम यहाँ पर अब चॉकलेट जिनैश बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप पाउडर्ड शुगर, 1/3 कप मैं ले रही हूँ यहाँ पर कोका पाउडर, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/4 कप पाउडर्ड मिल्क, ये मैं डाल दूँगी। अब हम इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर हमने एक तरफ वाटर बॉयल करने के लिए रखा, जैसे ही वाटर बॉयल हो जाएगा हम इसके ऊपर एक और बर्तन रख देंगे जो पानी से टच ना करे। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन रख दिया है और अब हमने इसमें डाला अनसॉल्टेड बटर। अब जब ये बटर मेल्ट हो जाएगा, जो हमने मिक्सचर बनाया है इन चीज़ों का, ये हम डाल देंगे इसमें। अब हमारा जो बटर है मेल्ट हो गया, अब हम इसके अंदर ये मिक्सचर डाल देंगे। अब हम गैस सिम कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें क्रीम डाल देंगे, क्रीम हमें सिर्फ 2 to 3 टेबलस्पून डालेंगे। अब हमारी जिनैश रेडी है, अब हम फ्लेम ऑफ करके इसे फ्लेम से गैस से उतार देंगे। मैंने यहाँ पर डेकोरेशन के लिए लिया है जेम्स और किटकैट, और यहाँ पर अभी जो हमने जिनैश बनाई थी वो। अब मैं पहले इस बेस को हाफ कट कर लिया था मैंने, मैं इसके अंदर भी गिनैश अच्छे से लगा दूंगी। अब मैं केक के ऊपर गिनैश डाल दूंगी। अब हम इसकी साइड्स अच्छे से कवर कर देंगे। जो केक है वो रेडी है, हमने हमारी जो किटकैट लगाई थी उसको स्टेबल करने के लिए रिबन इस तरह से टाई कर दिया और हमने इसको डेकोरेट भी कर दिया।